हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस चैप्टर के अंदर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट में। चैप्टर का नाम है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ठीक है, इसको लिखा हम करोगे सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ठीक है, हम लोग बहुत प्रकार के सब्सटेंसेस अपने घर में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कई प्रकार के टेबल सॉल्ट, खाने नमक होता है ना वो, उसके बाद में सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, वाटर, कर्ड, मिल्क, एलम मतलब फिटकरी, आयरन, सल्फर, वॉशिंग पाउडर वगैरह, सब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम अपने डेली यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट साल्ट इन डेली लाइफ, इम्पोर्टेंट साल्ट इन डेली लाइफ, डेली लाइफ। ठीक है, इसमें देखिए आयोनिक कंपाउंड, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड का हम उपयोग करते हैं। आयोनिक कंपाउंड मीन्स जो कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्ड से बनी होती है, बना होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड से बना होता है, जैसे एक बता देते हैं आपको, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, इन दोनों के बीच में सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो जो बॉन्ड अगर आयनिक बॉन्ड से बना होता है, कैसे बना होता है, जिस साल्ट में उसका बॉन्ड होता है आयनिक, आयनिक बॉन्ड, यदि ये आयनिक बॉन्ड इसमें होता है और उसका जो आयनिक बॉन्ड से बना हुआ जो कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात, है ना। तो वैसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड अपने इसमें हैं, जैसे सिंपल जे, और दूसरी बात उस कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन और या हाइड्रोक्साइड आयन ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं सिंपल साल्ट। कैसे, क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट। ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड इसमें होता है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ऐसे साल्ट जो बने होते हैं, ऐसे साल्ट को कहते हैं सिंपल साल्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, Ne2, Na2, SO4, CaCl2। ठीक है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो है ये कौन से साल्ट है, कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट मतलब सिंपल साल्ट। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते। समझ में आ गई बात यहाँ तक। ठीक, अब उसके बाद में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, रादर देन एसिड एंड बेस, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है वो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो अबाउट 80 मिलियन टन ऑफ साल्ट आर एडेड एवरी डे, सॉरी हाँ एवरी ईयर टू सी वाटर, अपना समुद्र जो होता है ना तो उसमें लगभग 80 मिलियन टन क्या साल्ट समुद्र में एड होता है हर साल का, पर ईयर। ठीक है, तो मेन सोर्सेस ऑफ साल्ट इज सी, इसलिए हम समुद्र जो होता है वो साल्ट का मेन सोर्सेस है। समझ में आई बात, इन फैक्ट द सी इज द रिच सोर्सेस ऑफ साल्ट। अब उसमें बहुत सारे प्रकार के साल्ट बनते हैं, जैसे वेरियस एलिमेंट्स के साल्ट बनते हैं, जैसे क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, इनके साल्ट समुद्र के अंदर में
मिलते हैं, कितने तो रिच, तो सर सी इज द रिच सोर्सेस ऑफ सन नेचुरली। समझ में आ गई बात, याद समझ में आ गई बात, याद इस चैप्टर में आपको याद रखने लायक बात होना चाहिए, याद होना चाहिए सब चीजें कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं सिंपल साल्ट में, हम पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड, पहला साल्ट, दूसरा साल्ट देखेंगे हम सोडियम, यहाँ तो समझ में आया बेटा। क्या देखा हमने कि हमने ये देखा कि बहुत सारे जो साल्ट है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में 80 मिलियन टन आर एडेड एवरी ईयर टू सी वाटर, प्रत्येक हर साल में, एक साल में 80 मिलियन टन क्या छोड़ा जाता है उसमें, ये क्या एड किया जाता है, साल्ट छोड़ा जाता है। तो सी इज द मेन सोर्सेस या रिच सोर्सेस ऑफ साल्ट, ठीक है। उसके बाद में इस सी के अंदर में बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साल्ट बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम के, क्लोरीन के, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, ब्रोमीन के, इनके भी साल्ट बनते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मतलब ये हम जो खाते हैं डेली यूज में नमक, साल्ट के टेबल साल्ट होते हैं हम जो हर दिन, अगर हम हमारे शरीर में नहीं आया तो हमारा खाना नहीं हो सकता, नमक के बाद खाना हमारे भाई है ना, नहीं होगा तो कितना भी ये डाल दो, लेकिन नमक अपने लिए डेली यूज करते शरीर के लिए भी आवश्यक हो, ठीक है। टेबल साल्ट, क्या इसको टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट, या इसको कहते हैं कॉमन साल्ट, क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट, किसको, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद में इसका साल्ट जो है, इसका टेस्ट कौन सा टेस्ट रहेगा, टेस्ट इसका रहेगा साल्टी, कौन सा टेस्ट रहेगा, साल्टी, नमकीन रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद में साल्टी टेस्ट होने की वजह से हम इसको बहुत सारे फूड्स में मिलाते हैं, सब्जी बनाएंगे या नाश्ता बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस साल्ट का उपयोग करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, बता मैं आपको केमिकल नाम क्या बताया, आपको सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, कैसा बनता है ये, एसिड और बेस के कारण, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आपको याद होगा आठवीं पढ़े होंगे आपने, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म NaCl2, यानी Cl, यानी Cl प्लस H2O, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें कैसा है, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गई, एसिड हो गई, ठीक है। तो जिसके परिणाम से तो क्या बन गया, साल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ में आ गई बात। सोडियम क्लोराइड कैसा बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण ये बना है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस न्यूट्रल साल्ट एंड दैट पीएच वैल्यू उसकी कितनी है, 7, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन साल्ट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड, अपने को कॉमन साल्ट सफ़ेद भी दिखता है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली में
वो कैसा होता है, एक्चुअली कलरलेस होता है। और क्रिस्टल, मैं क्रिस्टल पढ़ाया था ना आपको इसके पहले, क्रिस्टलाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था ना तुमको, है ना, तो वो कह देते हैं क्रिस्टल के तुम जैसा दिखाई देता है। एंड वाटर क्रिस्टलाइज नीड्स क्रिस्टलाइजर स्ट्रक्चर्स। अब इट इज न्यूट्रल साल्ट और साल्टी टेस्ट, ये कैसा होता है, न्यूट्रल। ये वाला साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड हो रहा है ना बेस, ठीक है। उसमें आप देख लीजिए पीएच जो है, पीएच स्केल दिख रही है ना आपके बुक्स में, पीएच स्केल दिख रहा है जी इस प्रकार से। हाँ, तो जिसका पीएच अगर 7 होता है तो वो कैसा होता है, वो जनरली न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे होता है तो एसिड, उसके ऊपर होता है तो बेस होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं इसके पहले, तो इसकी पीएच 7 होने की वजह से ये कैसा है, न्यूट्रल है। दूसरी बात, इसका टेस्ट कैसा है, सल्ट, ठीक है। और उसके बाद में दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसको क्या बनाने में काम आता है, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट Na2 CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। ये जो है ये वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सर्फ वगैरह बनती है अपनी, तो ये वॉशिंग सोडा और ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे आपको, ठीक है। और अब जब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना दिया पानी, ठीक है, और वहां से उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करना मतलब वहां से करंट यदि सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या निकलता है, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन निकलेगा। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहाँ जमा होगी, वो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होगी, वो ये कैथोड के पास निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक ऐसी सॉल्यूशन बना दिए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए मतलब वहां से करंट पास कराए, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, क्या निकलता है, दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्लोरीन जमा कहां होती है, एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन किसके ऊपर जमा होती है, कैथोड के, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा करवा दे, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कहाँ डाल दिया हमने, पानी में, कहाँ डाल दिया इसको, पानी, ठीक है। पानी में डालने के बाद इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी वो है, ठीक है। और प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, हाइड्रोजन, या Cl से बोलते इसको, हाइड्रोजन गैस बनेगी, समझ में आ गई बात। तो क्लोरीन गैस किसके ऊपर जमा होगी, एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन किसके ऊपर जमा होगी, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये इलेक्ट्रोलाइसिस रूल होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। किसी को प्रॉब्लम, हाँ, ओके। अब व्हेन साल्ट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, अगर इसको हीट किए कितने टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये मेल्ट होता है, पिघलता है, ठीक है। और पिघले हुए नमक को हम बोल सकते हैं फ्यूज्ड स्टेट, कौन सी स्टेट कहेंगे उसको, फ्यूज्ड स्टेट, समझ में आ गई बात, हाँ।
and when fused salt is electrolyzed, the chlorine gas release in anode or the liquid sodium metals at cathode. अब ये fused salt को, fused salt मतलब पिघला हुआ salt, ठीक है, इसको इसमें अगर electrolysis करते हैं तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ जमा होगी, एनोड के ऊपर, और सोडियम मेटल जो है वो किस पे जमा होगा, कैथोड। समझ में आ गई बात, याद रहेगा सबको। अब इसके बाद में देखिए, अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। अब ये सोडियम बाय कार्बोनेट क्या है, अपने या इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, ठीक है, या इसको इसका फार्मूला है NaCO3, और इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब उसके बाद में अभी अपने को मालूम है अपने घर में अपनी मदर जो होती है, ठीक है, अपने घर में हम इसका यूज करते हैं खाने के नाम, खाने का सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा। तो कोई भी पदार्थ मान के चलो बेसन के पकौड़े यदि बनाना है ना, तो वो स्पंजी बने, स्पंजी बने तो उसके लिए हम चिमटी पर थोड़ा सा अपने घर में खाने में मिला देते हैं, बहुत सारे खाने की बेकरी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और वो क्रिस्पी बनने के लिए, जर्मनी कैसा है स्पंजी और क्रिस्पी बनने के लिए उसका हम यूज करते हैं, इसका खाने के सोडे का। समझ में आई बात। और उसके बाद में मदर एड्स बेकिंग सोडा, बेटर मेकिंग बेकिंग सोडा इज वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर, जो वाइट होता है और नॉन क्रिस्टलाइन होता है। इट्स केमिकल नेम इज, कोई बता दिया मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बता दिया। अब इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर,